जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में कि जावा में कैसे आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम मैं आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं जावा में प्रोग्राम के जरिए। अगर आपसे कोई पूछ देना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, तो आपको सिंपली आंसर करना है वेन एवर वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो, हमारे पास ये एक ए नाम का क्लास है और इस ए क्लास के अंदर मान लो अगर मेरे पास इस तरह से एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये हो गया एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर, लेकिन उन कंस्ट्रक्टर का या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए या फिर पैरामीटर ही अलग होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट एक्स, ठीक है, उसके बाद मैंने एक और मान लो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया और इसमें मैंने पैरामीटर क्या दे दिया, मैंने इसमें पैरामीटर दे दिया डबल वाई, उसके बाद एक और दे देता हूँ यहाँ पे, वो क्या होगा हमारा स्ट्रिंग जेड। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो देख लो गाइस, हमारे इस क्लास ए में तीन कंस्ट्रक्टर हैं और इन तीनों कंस्ट्रक्टर का ना नेचर बिल्कुल ही अलग है। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें एक पैरामीटर है, इसमें दो पैरामीटर है। या तो पैरामीटर का नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दो या फिर अलग अलग पैरामीटर ही पास कर दो। आप इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे एक और कंस्ट्रक्टर में अगर लिख के दिखाऊं आपको, मान लो यहाँ पे मैंने बनाया इंट एक्स कोमा, तो आप यहाँ पे इंट वाई कर दो या फिर आप जो चाहो यहाँ पे कर लो, लेकिन पैरामीटर लिस्ट हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। मतलब इसमें इंट एक्स है तो इसमें सिर्फ इंट एक्स अकेला नहीं होना चाहिए। आप इसको क्या कर दो, फ्लोट वाई अकेले कर दो, इस तरह से फ्लोट वाई भी रख सकते हो या फिर चाहो तो इंट एक्स कोमा फ्लोट वाई भी कर सकते हो इस तरह से। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसका प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन होगा, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और क्या बना लेता हूँ, एक डबल नाम का सेकेंड इंस्टेंस वेरिएबल और एक स्ट्रिंग नाम का मैंने थर्ड इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। अब इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए में वैल्यू डाल दे रहा हूँ 100, बी हमारा एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेगा क्योंकि इसका टाइप डबल है, मैंने कुछ भी यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सी क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को लेगा क्योंकि इसका टाइप एक स्ट्रिंग टाइप है। हमने तीनों वेरिएबल्स में अपने हिसाब से वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी है। अभी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कहाँ से सेट होगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ से पास करेंगे, तब इसकी कोडिंग को हम करेंगे। चलो ऑब्जेक्ट हम एक अदर क्लास में क्रिएट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, आप सेम क्लास में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास नेम, क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए, न्यू कीवर्ड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। तो अगर इतना लिख के आप छोड़ोगे ना, तो ये सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा और उसी के रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, लेकिन हमें इसे भी हैंडल करना है और इसको भी मुझे शो कराना है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों कंस्ट्रक्टर के लिए ना अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा R2, इसका मैंने क्या दे दिया R3 दे दिया। यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। इसमें डबल और स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर मैंने पास किया है, तो यहाँ पे एक फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी दे देते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू भी देनी होगी क्योंकि सेकेंड पैरामीटर स्ट्रिंग है। मैं स्ट्रिंग क्या दे देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दे दिया अंकुश, ठीक है। ये तीनों कंस्ट्रक्टर के लिए हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। अभी अगर मैं चाहूँ तो मान लो यहाँ पे देखो 10 आ रहा है यहाँ से, ठीक है, अब 10 तो इस एक्स में आएगा, मुझे इसको रिसीव करना होगा तभी तो मैं यूज़ कर पाऊँगा इस 10 को। तो मैं रिसीव करूंगा अपने इसी ए वेरिएबल में, ठीक है, जो भी वैल्यू एक्स में आएगा उसको ए में मैंने रिसीव कर लिया है। अब जो भी वैल्यू हमारा डबल वाई में आएगा उसको हम क्या करेंगे, बी वाले वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे और साथ ही साथ इस जेड में जो भी स्ट्रिंग वैल्यू यहां से हम पास कर रहे हैं वो आएगा, उसको इस सी वेरिएबल में हम रिसीव करेंगे। तो जेड की वैल्यू को मैंने सी में इनिशलाइज कर दिया। अब इनके रिजल्ट को ना मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख के डिस्प्ले कर सकता हूँ। इन्हीं के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं करना, ए करना है, उसके बाद बीच में आपको स्पेस देना है, फिर बी को प्रिंट करना है, फिर आपको बीच में स्पेस देना है। स्पेस आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि रिजल्ट अच्छा लगे।
पर मुझे यहाँ डिस्प्ले नहीं करना है, मैं वैल्यू को ना अदर क्लास में एक्सेस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है नहीं जो एक्सेस करने नहीं देगा। बिल्कुल हम कर सकते हैं। इस क्लास में कैसे वैल्यू एक्सेस करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम पेस्ट करेंगे। अभी ये जो तीनों वैल्यू रिजल्ट डिस्प्ले होगा ना, ये मैं चाहता हूँ हमारे इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वैल्यू डिस्प्ले हो। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्या है? आर है। तो यहाँ पे हम अदर क्लास में वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू ही डिस्प्ले कर सकते हैं, नहीं तो कंपाइलर हमारे इस वेरिएबल ए बी और सी को पहचान नहीं पाएगा। तो आर डॉट बी, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, आर डॉट सी। अब इसी तरह से सेकेंड वाले को भी मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम लाइन को यहाँ पे टू टाइम्स और कॉपी पेस्ट मारूंगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव करूँगा क्योंकि इसमें एक वैल्यू है, ठीक है। आर टू डॉट ए लिखना होगा क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर टू है। थर्ड वाले में दो वैल्यू है और इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर थ्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, उसके बाद इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे आर थ्री से इन्हें कॉल करेंगे क्योंकि आर थ्री हमारा थर्ड वाले कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, और बी और सी ही यहाँ पे इसलिए क्योंकि वैल्यू को बी और सी में रिसीव कर रहे हैं हम, ठीक है। इतना का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसे छोटा कर दिया। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं किसी भी एक अच्छे से लोकेशन पे, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में कर रहा हूँ। मैंने गाइस ए डॉट जावा नाम से कर दिया है प्रोग्राम को सेव, मुझे करना था बी डॉट जावा नाम से, ठीक है। अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हैं कंपाइल और रन कराने के लिए। एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, बस वीडियो को स्किप मत करना। जावा सी बी डॉट जावा। तो यहाँ पे लाइन नंबर 25 पे एक एरर आया है। एरर क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने क्लास बी में मेन मेथड नहीं बनाया है। बिना मेन मेथड के हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो कंटेंट है मुझे कहाँ रखना होगा, मुझे इस मेन मेथड के अंदर पुट करना होगा, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिएगा, अभी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, अभी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। लाइन नंबर 25 पे भी बोल रहा था, 23 और 24, क्योंकि ये सभी लाइंस इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा, प्रोग्राम को हमने कंपाइल करा तो ये कंपाइल हो गया। अब रन करने के लिए जावा और क्लास का नेम, तो आप देखो हमारा सारा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। पहला रिजल्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जो यहाँ पे वैल्यू हमने असाइन किया है वेरिएबल्स में, वही वैल्यू को हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू देखो अदर क्लास में यानी क्लास बी में एक्सेस किया है, प्रिंट किया है। सेकंड में हमारा वैल्यू 10 प्रिंट हुआ है क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ से 10 पास किया, एक्स 10 ने को रिसीव किया एक्स वेरिएबल ने। उसके बाद उस एक्स का वैल्यू ए में गया और उसके बाद हमने ए को यहाँ पे पैरामीटराइज्ड के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल करा तो उसका भी वैल्यू डिस्प्ले हुआ, और लास्ट वाला ये दोनों वैल्यू भी डिस्प्ले हुआ जो हमने यहाँ से भेजा था। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रिसीव हुए। उसके बाद बी सी में हमने इनिशियलाइज करके बी सी को ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर थ्री से, जो कि इसी का है, हमने इसके थ्रू प्रिंट कर दिया। अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या आप एक ही अपने क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों को रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसमें भी सेम काम को ही मान लो मुझे करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी वैल्यू आप चेंज कर दो, जरूरी नहीं है यही रखो, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं कुछ भी, हो गया वैल्यू चेंज हो गया हमारा। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो दूसरे क्लास में तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि ये एरर देगा, सीधा सीधा डेटा सिक्योर्ड हो चुका है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। अगर आपका क्लियर नहीं है तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर वाला हमारा वीडियो देख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट मुझे इसी क्लास में बनाना होगा। तो देखो अभी हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अभी इतना का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो आप देखो गाइस, यहाँ पे कंपाइलर साफ साफ बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास ए। क्लास ए में कंस्ट्रक्टर पहले ही डिफाइंड है ए नाम का। तो ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा ही सेम होता है। जब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये प्राइवेट और डिफॉल्ट दोनों कॉल हो जाने चाहिए। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको दोनों कंस्ट्रक्टर मिल गए। ये भी एक तरह का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है, बस इसमें प्राइवेट लगा हुआ है और इसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट है, ये इस तरह से रखा हुआ है।
जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट है और यहाँ पे प्राइवेट है। तो अगर अभी हम इस डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को सच में हटा देना तो अभी हमारा सारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मतलब आप प्राइवेट को भी लेके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक रन टाइम हमें एरर मिल गया है, एक्सेप्शन आया है, ठीक है। क्लास बी ट्राई टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर, क्योंकि मैंने बी डॉट जावा नाम से इसे सेव कर रखा है। इसे पहले हमें ए डॉट जावा नाम से करना होगा, क्योंकि अभी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है अपने पास, तो वो क्लास बी डॉट जावा नाम से नहीं करने देगा काम। कंपाइल करेंगे ए डॉट जावा नाम से, तो अभी देखिएगा इसका रिजल्ट भी डिस्प्ले करेगा आपके सामने। ये देखो आ गया ना रिजल्ट। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के, कि कैसे आपके क्लास में अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है लेकिन उनका नंबर और पैरामीटर डिफरेंट हो, ये चाहे नंबर के केस में हो, इसमें एक है तो इसमें दो रहे, या फिर सच में वो अलग अलग ही हो लेकिन एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए। कंप्लीट जावा सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर विजिट करिए।